रांची से पुरी घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए अच्छी खबर है। रेलवे 24 साल के बाद हटिया से पुरी जाने वाली तपस्विनी एक्सप्रेस की सभी पुरानी बोगियों को बदलने जा रहा है। इस ट्रेन में राजधानी जैसा नया LHB रैक लगाया जा रहा है। नए LHB कोच में 119 सीटें अतिरिक्त होगी, जो वेटिंग में यात्रा करने वाले यात्रियों को कन्फर्म बर्थ उपलब्ध कराएगी। 6 जनवरी को पुरी स्टेशन से रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रांची रवाना करेंगे। तपस्विनी एक्सप्रेस में अब राजधानी की तरह 21 LHB कोच होंगे। इनमें 1485 बर्थ होगी। नए कोच में 119 सीटें बढ़ गई हैं। स्लीपर के 9 कोच में से प्रत्येक में से 80 सीटें होंगी। स्लीपर के 3 कोच में प्रत्येक 72 सीट होगी। 2 सेकेंड AC कोच में से प्रत्येक में 52 सीटें होंगी। 1 AC फर्स्ट क्लास कोच में 24 सीटें होंगी, जबकि पुराने ट्रेन में 1376 बर्थ थी और 20 कोच थे। दक्षिण पूर्व रेलवे के कोलकाता के CPRO नीरज कुमार के अनुसार तपस्विनी एक्सप्रेस की नई बोगियों में यात्रा सुविधाएं अधिक हैं, वहीं सीटें भी बड़ी हैं। पर्यटन के दृष्टि से यह ट्रेन महत्वपूर्ण है।